पतंग वहां उड़ रही है तो इरफान उधर है, वहां पतंग उड़ा रहा है। कैमरा इरफान के ऊपर था और इरफान ने दो तीन कदम पीछे करे और जैसे कि मतलब जैसे होश किसी का निकल जाता तो गिरने लगता है। तो नसीरुद्दीन शाह ने उसको पकड़ने की कोशिश करी तो इरफान ने कहा नहीं मैं गिरूंगा नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। मीरा टोल्ड इरफान के लिसन आई एम सो सॉरी बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कास्ट यू। जो वर्ड जो उसने यूज किए थे कि मेरे अंदर कुछ बिन बुलाए मेहमान ठहरे, उनसे उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखिए किस तरफ चलता है। तो इट वाज सो ब्यूटीफुली सेड, वेरी पोएटिक एक्चुअली इन सम वे। एक्सक्लूसिव में आज हमारे साथ हैं, इससे पहले मैं बता दूं वो कौन है। आज सुबह जब मैं उठा तो जैसे ही मैंने फोन उठाया अपना तो एक के बाद एक तस्वीरें इरफान की आई और मैं बहुत इमोशनल हो गया कि इरफान जो हमारे बीच नहीं रहे, उनका बर्थडे है आज, मशहूर अभिनेता इरफान। तो इरफान को कैसे याद किया जाए, हम सब ने उनकी फिल्में तो देखी हैं, हम सब परफॉर्मेंसेस के दीवाने हैं, लेकिन जिन्होंने बहुत करीब से उनकी कहानी उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा है, उनकी अकेली बायोग्राफी लिखने वाले शख्स, इरफान की दास्तान लिखने वाले शख्स असीम छाबड़ा मेरे साथ हैं। असीम बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकट। थैंक यू वेरी मच यासर। और कैसे याद कर रहे हैं इरफान को आज? आई थिंक उनके जाने के बाद शायद ये पहला उनका जन्मदिन, पहली बर्थडे है। हाँ पहला बर्थडे है, पर यू नो अब ऐसा हुआ कि यू नो अभी पूरा साल नहीं है उनकी डेथ को, 29 अप्रैल को उनकी डेथ हुई थी, तो उस वक्त तो बहुत मोर्निंग थी। मैं मुझे ही नहीं, प्रैक्टिकली ऑल हिज फैंस इतने सैड हो गए थे हम लोग, और समझ नहीं आ रही थी कि इतनी सैडनेस क्यों आई है, क्योंकि कोई इरफान हमारे मेरा कोई पर्सनल फ्रेंड नहीं था लोग, और भी क्योंकि उनको हमने यू नो सिनेमा हॉल में, थिएटर्स में देखा था, फिल्मों में देखा था, तो यू नो यू गेट सो अटैच्ड टू द कैरेक्टर्स ही प्लेज। तो ऐसा कौन सा किस्सा है, मैं आज जानना चाहूंगा, क्योंकि याद करने का सबसे बढ़िया तरीका उस शख्स की कहानियां होती हैं, तो कहानियों के जरिए ही यादें आगे बढ़ती रहती हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ आपकी सबसे फेवरेट किस्सा इरफान से जुड़ा क्या है? तो किस्से तो बहुत सारे हैं, एक किस्सा है जो उनके बचपन से स्टार्ट होता है बट इट कंटिन्यूज थ्रू हिज एंटायर एडल्ट लाइफ। इरफान को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था और मैंने जिंदगी में कभी पतंग उड़ानी सीखी नहीं है, तो आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग। तो देयर इज अ स्टोरी जो इरफान ने कई बार बताई भी थी कि ही वाज अराउंड 7 years old और जयपुर में रहते थे और वो गर्मी थी, पता नहीं मौसम क्या था, छत से वो पतंग उड़ा रहे थे और वो पुराने घर थे और छत पे कोई रेलिंग वगैरह नहीं थी, एंड ही फेल और गिरे तो आई थिंक लेफ्ट आर्म टूट गई थी उनकी। एंड हुआ क्या कि इरफान के फादर को हंटिंग का बहुत बहुत शौकीन थे, तो इरफान के फादर गए हुए थे हंटिंग के लिए, तो उनकी मदर को समझ नहीं आई कि क्या किया जाए, मतलब उसको देखो टेकन हिम टू अ हॉस्पिटल ऑल्सो, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 1970s की होगी, अर्ली 80s 1970s की होगी। तो उनकी मदर ने क्या किया कि एक हकीम को बुलाया, तो उसका काफी इलाज करते रहे हकीम पूरा साल, पर उसकी बाँ पूरी बेचारे की नहीं हुई। और मैंने काफी लोगों से पूछा, तिग्मांशु धूलिया ने भी मुझे कहा कि जब भी कभी ईशान को इरफान को बुशर्ट पहननी पड़ती थी हाफ स्लीव्स, तो उसको बहुत गुस्सा चढ़ता था बिकॉज उसकी थोड़ी आर्म वीक थी। श्याम बेनेगल ने भी कहा उसकी आर्म वीक थी, पर उसका पतंग उड़ाने का इतना शौकीन था कि अनूप सिंह ने, उनके बहुत अच्छे करीब दोस्त भी हैं, और उन्होंने दो फिल्में बनाई इरफान के साथ जो लोगों को देखनी चाहिए, किस्सा टेल ऑफ लोनली गोस्ट पंजाबी में है, और दूसरी फिल्म इनफैक्ट अभी इंडिया में रिलीज होने वाली है सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस, तो सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस राजस्थान में रिलीज शूट करी थी। अनूप ने कहा कि जब भी इरफान के लिए कोई शॉट होता था और इरफान अगर नजर नहीं आता था कहाँ है, तो लोग ऊपर आसमान में देखते थे पतंग कहाँ उड़ रही है, पतंग वहां उड़ रही है, तो इरफान उधर है, वह पतंग उड़ा रहा है। मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है असीम, बहुत खूबसूरत किताब है, और मुझे लगता है जब भी इरफान की बात होगी, इरफान की जिंदगी परफॉर्मेंसेस तो हैं, लेकिन जो उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है वो असीम की किताब जरूर पढ़ लें, है ना, रूपा पब्लिकेशंस ने निकाली है और बहुत खूबसूरत कवर है, आई विल पोस्ट दैट कवर। और मुझे उसमें से एक बहुत ही जबरदस्त वाकया याद है कि वो अपने जाहिर है एक्टिंग को लेके अपने बहुत दीवाने थे, एक आई थिंक वो उनकी कौन सी फिल्म थी, द फर्स्ट फिल्म विद विशाल, सॉरी यार एकदम नाम मकबूल, हाँ
तो एक असीम की किताब में एक वाक्या दर्ज है मकबूल का, अगर किसी को याद हो कि जब वो एक डेड बॉडी देखते हैं अब्बा जी माय गॉड तो वो गिरते हैं। वो एक इतना कमाल का वाक्या है क्योंकि उसमें न सिर्फ ये तो बाद में आपको पता चला, लेकिन वो आपको वो वाक्या शायद वो जो वो था कहानी वो नसीरुद्दीन शाह ने सुनाई है किताब में। जी आप शेयर करना चाहेंगे असीम, वो बहुत कमाल की चीज लगती है मुझे। इनफैक्ट वही सोच रहा था, नसीरुद्दीन शाह बहुत ही वाज वेरी जेनरस, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि इरफान बहुत कमाल का एक्टर है, मैं जरूर उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो उसमें वो सीन है, शेक्सपियर के मकबेथ में भी सीन है, बैंको कैरेक्टर है जिसकी डेथ मकबेथ ने करवाई होती है, तो पीयूष मिश्रा का जो कैरेक्टर है उसकी डेथ हो गई है, तो सब लोग वहां खड़े हैं कोर्टयार्ड में, और इरफान को लगता है कि सडनली उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि गिल्ट होता है ना मकबूल को, तो उसको लगा कि आंखें खुल गई, तो कैमरा इरफान के ऊपर था और इरफान ने दो तीन कदम पीछे करे, और जैसे कि मतलब जैसे होश किसी का निकल जाता तो गिरने लगता है, तो नसीरुद्दीन शाह ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो गिर रहे चोट लग जाएगी। हाँ इरफान ने कहा अरे नसीर भाई क्या कर रहे हो, इधर तुम गिर जाओगे तुम्हें चोट लग जाएगी, तो इरफान ने कहा नहीं मैं गिरूंगा नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे मालूम है। ये इतना बारीक नुआंस है सीन के, मतलब उसके बाद मैंने दोबारा मकबूल देखी और वो सीन देखा और मैंने कहा यार क्या मतलब क्या कर दिया उन्होंने वाकई। हाँ नहीं सीरियसली नसीर ने ये भी कहा कि रियली ही वाज सच अ फैंटास्टिक एक्टर के पता नहीं चलता था कि ये एक्टिंग कर रहा है, मैंने कहा गिर रहा है बेचारा उसको मैं पकड़ लूं बिल्कुल चोट ना लग जाए। एक और आज मैं सुबह ही पढ़ा था और वो कोट था इरफान का, वो शायद उनका डायलॉग भी है किसी फिल्म में, जिसमें वो कहते हैं कि किस्मत में एक खास बात है, किस्मत में कि वो कभी भी बदल सकती है, और ये इसलिए भी मुझे याद आया कि जो उनका शुरुआती स्ट्रगल था है ना, वो मीरा नायर की सलाम बॉम्बे में, जहाँ एक बड़ा सा रोल मिस होके उनका और वो कुछ सेकंड्स का रोल रह गया था और वो बहुत रोए थे, वो भी आपकी किताब में है, उसको शेयर करना चाहेंगे। हाँ तो वो बहुत सैड एक तरह से स्टोरी समझिए, उस टाइम इरफान मस्ट हैव बीन 18-19 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, कॉलेज के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 19 साल के होंगे मेरे ख्याल से, तो मीरा नायर अपनी पहली फीचर फिल्म सलाम बॉम्बे के लिए कास्टिंग कर रही थी और पहले से उसको शी वेरी क्लियर कि स्ट्रीट स्टोरी तो स्ट्रीट चिल्ड्रन की है, स्ट्रीट के बॉम्बे की है, सड़कों के बच्चे, तो उनकी स्टोरी करनी थी और फिर शी वॉन्टेड सम ट्रेंड एक्टर्स ऑल्सो, तो मीरा वेंट टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और वो बेसमेंट में उनकी एक वर्कशॉप को चल रही थी, तो चुपचाप बैठ के कोने में शी वाज ऑब्जर्विंग ऑल द एक्टर्स, तो उस मीरा को इरफान का जो भी रोल कर रहा था सडनली स्ट्रक हर कि यही आदमी इसको मैं कास्ट करूंगी, वो फिर अगले दिन फिर आई मीरा और अगले दिन फिर आई और फिर उसने देखा और फिर उसने इरफान के पास गई तो कहा कि मैं ये फिल्म बना रही हूँ सलाम बॉम्बे, तो उससे पहले हम एक महीने की वर्कशॉप करेंगे और बैरी जॉन जो बहुत वेल नोन थिएटर पर्सनालिटी है ही इज गोइंग टू डू द वर्कशॉप विद विद द चिल्ड्रन एंड ट्रेन्ड एक्टर, तो तुम आओगे। अब देखो इरफान ने जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया था तो झूठ बोला था, क्योंकि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इंटरव्यू में कहते थे कि आप एक्टिंग करेंगे ना प्लेज में, तो इरफान ने कहा था हाँ हाँ मैं तो थिएटर करने आया हूँ, मन तो उसका बिल्कुल फिल्मों में जाने का था, फिल्मों में था। अब देखो 19 साल की उम्र में आउट ऑफ द क्लास ऑफ अबाउट 20 स्टूडेंट्स ही वाज द वन पिक्ड, और थोड़ी बाकियों को जलन भी हुई होगी क्योंकि यू नो कंपटीशन तो होता ही है, और मीरा उसको ले गई मुंबई और मीरा ने एक फ्लैट रेंट किया हुआ था, उसमें काफी लोग ठहरे थे, रघुवीर यादव भी आता था कई बार, कोई स्ट्रीट किड्स भी आते थे, मीरा भी वहीं ठहरी थी, इरफान वहां एक महीने के लिए ठहरा, और ये रोज के रोज वर्कशॉप होती थी और जो 10-15 स्ट्रीट किड्स जो उन्होंने फाइनली चूज किए थे उनके साथ एक्टिंग की वर्कशॉप हो रही थी और इरफान से उनसे दोस्ती भी हो गई। फिर क्या हुआ कि जो फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफर थी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अमेरिकन नेम, तो वो जब आई तो उन्होंने देखा कि यू नो इरफान वाज ऑलवेज वेरी टॉल उस टाइम, मतलब वैसे तो पतले थे, ही वाज ऑलवेज थिन, बट उस टाइम ही हैड ग्रोन अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली, तो खाना पीना तो होता ही है, नरिशमेंट होती है, तो ही हैड ग्रोन वेरी टॉल, बाकी जो स्ट्रीट किड्स थे वो तो हाइट में छोटे थे, तो ये कास्टिंग बड़ी अजीब सी लगी उन लोगों को। और लिटरली अ फ्यू डेज बिफोर द फिल्म हैड टू बी शॉट मीरा टोल्ड इरफान के लिसन आई एम सो सॉरी बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कास्ट यू। ओह माय गॉड। तो एक तो बेचारे का दिल बहुत टूटा और सुनी तारपुर वाले ने बताया, इरफान ने भी खुद बोला, सिर्फ सुनी ने कहा कि बहुत रोया था, मैंने उसको कहा कि भाई देखो
when one door closes, another door opens, कुछ ऐसा मैंने बोल दिया उसको. He had to go back to his school. Can you imagine? But कितना मजाक भी उड़ा होगा ना, कितना. I'm sure. ये आ गया एक्टर बनके. तो मीरा ने उसको एक छोटा सा रोल दिया था उसमें सलाम बॉम्बे में. Literally, in fact, YouTube में देखा. Few seconds. हाँ, he's a letter writer. Few seconds नहीं, मतलब एक मिनट का रोल तो ही है. He's a letter writer. बहुत प्यारा सा रोल है. और मीरा ने उसको प्रॉमिस किया कि देखो मैं तुम्हें फिर काम दूंगी. I want to work with you. काफी टाइम लगा नेमसेक 2000. हाँ, किस्मत पलटी. वही मैं इसीलिए वो कोट कह रहा था कि जब किस्मत का ये है कि एक दिन पलटती जरूर है. और मुझे लगता है इरफान के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में द नेमसेक है. मीरा नायर ने मुझे बताया था, यू नो, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद झुंपा लहरी फादर. एंड वहाँ न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, उसका जो ओनर है वो भी बांग्लादेशी है. तो इरफान वॉज पिकिंग अप दी बंगाली एक्सेंट. तो मीरा ने कहा कि उसका बंगाली एक्सेंट इतना जबरदस्त हो गया था कि समटाइम्स इट वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड हिज इंग्लिश. आप सोचिए. हां, सो शी टोल्ड हिम टोन इट डाउन, वी डोंट वांट टू सबटाइटल द फिल्म, द होल फिल्म. जब किताब लिख रहे थे असीम, तो उस वक्त मैं जानता हूं कि आपने कितनी बड़ी मेहनत की थी, और उस वक्त एक दो बार हमारी बात भी हुई थी दैट यू आर ट्राइंग टू रीच इरफान, और उस वक्त बीमारी शुरू हो गई थी उनकी. तो क्या कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए या कभी कोई फोन कॉल पे बात हुई क्या? क्योंकि मुझे लगता है वो आखिरी बारी किसी जर्नलिस्ट से उन्होंने बात की होगी. हाँ, नहीं, उसके बाद भी एक इंटरव्यू तो उनका हुआ था डेफिनेटली, जब वो अंग्रेजी मीडियम कर रहे थे. लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी थी. जब तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन, जब मैंने हाँ किया किताब लिखने के, उस वक्त तो कोई खबर नहीं थी. जब मेरा एक दो महीने लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था, सडनली उनका ही अनाउंस्ड के ही हैज कैंसर एंड ही वाज गोइंग टू, ये नहीं बताया था कहाँ जा रहे हैं. आज मैं सुबह देख रहा था, एक दिन दोपहर को 2 बजे के करीब मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया इरफान का. हाँ, अरे असीम, गुड टाइम टू टॉक इरफान. 2:15 का बजा था. मैं नैप ले रहा था. मैंने अपना फोन 4:30 बजे तक नहीं देखा. तो उठा तो मैंने देखा, तो मैंने कहा ओ माय गॉड, इरफान फ्रेंड, मेरे 2 घंटे मिस हो गए थे. मैंने उसी वक्त जवाब दिया, मैंने कहा कि श्योर वी कैन टॉक नाउ. तो ही सेड के इन 15 मिनट्स. ओके. मुझे थोड़ा सा कंसर्न था कि कैंसर पेशेंट है, आई हैव नेवर स्पेंड टाइम विद एनीबॉडी हु इज अ कैंसर, बीमार है, कैसे बात करूंगा. पर मैंने कहा कि यही एक मौका है. तो फिर मैंने व्हाट्सएप पे उनको फोन किया. उनकी आवाज बड़ी बुलंद थी, वेरी स्ट्रांग. कैंसर का क्या होता है, जब कीमोथेरेपी होती है, एक दो दिन के बाद वीकनेस होती है, देन दे गो थ्रू वेव. सो ही वाज क्लियरली इन अ वेरी गुड, हिज वॉइस वाज वेरी स्ट्रांग. ही सेड टू मी अगेन, ही सेड, मुझे पता नहीं आप किताब क्या लिख रहे हो. मैंने सारा यार ईमेल में लिखा था. फिर मैंने बोला कि देखो, मैंने ऐसा है कि मैं आपकी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, आपकी फिल्मों को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आपके फैंस और जो नए फैंस बनेंगे वो आपकी फिल्में देखें, दे अंडरस्टैंड हाउ यू परफॉर्म. And I told him कि मैंने मेघना गुलजार से बात कर ली थी, तिग्मांशु दूलिया से बात कर ली थी, और किन किन लोगों से बात अगर कर या कर ली थी या करने वाला था. So then he started, I couldn't believe he recommended that. अच्छा, एक दो आर्टिकल्स हैं, ये इंटरव्यूज हैं, ये पढ़ो, बहुत अच्छे हैं. एक तो वो था. Then he said to me के and there are two people I recommend to you. तो उनका एक जयपुर का फ्रेंड है वरुण गौतम, जो बॉम्बे में रहते हैं. तो मैं तो जानता भी नहीं था वरुण गौतम का नाम. इफ आई हैड नॉट स्पोकन टू इरफान, आई वुड हैव नॉट नोन. सो ही न्यू इरफान बिफोर इरफान ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ज्वाइन किया. तो मैंने वरुण गौतम को कांटेक्ट किया बॉम्बे में, वरुण गौतम से इंटरव्यू किया, बहुत अच्छे प्यारे उसे किस्से सुनाए. वो किताब में दर्ज है, और बहुत बहुत करीबी थे उनके, वो पढ़ के ही लगता है कि बहुत करीबी दोस्त हैं. वो दोनों शाम को दोपहर को साइकिल पे जाते थे, थिएटर प्रैक्टिस वगैरह करते थे. तो इरफान ने उन दिनों जो कुछ प्लेज करे थे जहाँ के दे वर वेरी फिल्मी इन्फ्लुएंस बहुत था. तो इरफान ने ये भी बोला कि एक कोई प्ले कर रहा था, तो ही वाज सपोज्ड टू ऑलमोस्ट ड्रेस अप लाइक राजेश खन्ना, शॉल पहन के इरफान आता है और एक विस्की का ग्लास होता है उसके हाथ में, और वो विस्की का ग्लास उसने एक ट्रांजिस्टर रेडियो के ऊपर फेंकना था. वो कोई म्यूजिक चल रहा था, तो इरफान ने वो ग्लास फेंका, वो ग्लास ट्रांजिस्टर रेडियो पे हिट नहीं किया, और वो पीछे जो साउंड कर रहे थे उन्होंने ट्रांजिस्टर रेडियो बंद नहीं किया, तो गाना चलता रहा. और असीम, मतलब मुझे अभी भी इतना सुन के लग रहा है कि आपने वो फोन कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं की, वो जो इरफान से बातचीत. अरे यार,
उसके बाद व्हाट्सएप दिमाग में पूरी कहानी है मेरे पास। भाई देखो ऐसा है कि आई nobody expected that he will leave us soon. Nobody expected. I didn't think. उसके बाद मैंने फिर WhatsApp messages तो सारे है मेरे पास, exchange काफी सारे करे। कुछ लोगों को मैं interview करना चाहता था, उन्होंने कहा था कि इरफान से पूछ के करेंगे, तो इरफान ने मुझे लिखा कि हाँ मैं उनसे बात करूंगा, मैं बात करता हूँ। तो एक दिन मैंने उनको WhatsApp message में कुछ बात कर रहा था, तो फिर सडनली यू नो मन कर मैंने सोचा कि मीरा नायर ने मुझे बताया था कि वो मिली थी इरफान को लंदन में, तो इरफान साइकिल पे, मीरा की एक फ्रेंड आई थी और वो साइकिल पे आई थी, तो इरफान साइकिल पे चढ़ के चक्का लगाया उसने वहां पे। तो मैंने उसको कहा, तो मैंने फिर ऐसे ही पूछ लिया कि सर एंड आल्सो हाउ आर यू फीलिंग बाय द वे, होप यू आर डूइंग वेल। सो ही रोट टू मी, ही सेड समथिंग लाइक आई डोंट थिंक अबाउट इट, यू नो every day is a new day for me or something like that, and aisa was you know mujhe namaskar kiya, to matlab jab tak zindagi hai hame zindagi ko celebrate karna chahiye, that was his message. Exactly. Main ye sochta nahi hu ki bhai meri death aane wali hai. unhone bhi bahut bahaduri se lade Aseem, kyunki na jo aakhri message hai mujhe, main abhi bhi sunta hu to bahut emotional ho jata hu, wo jo unhone angrezi medium se pehle kiya tha ki it was so brave of him, of anyone. कौन ऐसी बात करता है कि जब मौत सामने खड़ी है और उनको पता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, फिर भी कितनी खूबसूरती से अपनी बात कही। जो वर्ड जो उसने यूज किए थे कि मेरे अंदर कुछ बिन बुलाए मेहमान उनसे उनसे वार्तालाप चल रहा है, अब देखिए किस तरफ चलता है, यू नो। So it was so beautifully said, very poetic actually in some way. Very poetic. और मैं अभी बताऊं, जब भी आज चुकी बार बार उनकी बात हो रही है, सब लोग कर रहे हैं, उनका बर्थडे है, तो वो जब भी क्लोजअप उनका देखता हूं, और खासतौर पे आपकी किताब के वो जो बैक कवर पे भी फोटो है ना, जिसमें उनकी आंखें हैं, वो जो उबलती हुई थी, ओ माय गॉड, फिर मुझे लगता है कि यार ये बहुत जल्दी चले गए, बहुत कुछ करना था। मैंने किताब में काफी बार उनकी आंखों के बारे में बार-बार आंखों के बारे में डिस्क्राइब किया, रियली मैजिकल आईज। नो बट नॉट जस्ट मैजिकल आईज, he knew how to use his eyes, how to use jo his acting eyes. Jo chehre se karte hain sab karte hain, par wo apni aankhon se, you know, lunch box mein kuch scenes hain, akela baitha hua hai irfan bus mein baitha hua hai aur camera bilkul ke chehre pe hai, and from the eyes jo sadness aati hai, it is just stunning, it is just really amazing. Fabulous. तो कैसे याद करेंगे जाते जाते Aseem, क्योंकि मुझे लगता है पूरा दिन निकल जाएगा, हम लोग इतनी बात कर सकते हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा बातें हो गई हैं, और मैं अपने सब सुनने वाले जितने भी देखने वाले हैं, मैं उनसे कहूंगा कि Aseem की इरफान खान की बायोग्राफी जरूर पढ़ें। वैसे Aseem ने शशि कपूर और प्रियंका चोपड़ा पर भी बहुत खूबसूरत किताबें लिखी हैं, उन पर किसी और दिन हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज बात इरफान की बुक करा दें और पढ़ लें, क्योंकि इरफान को जानने समझने का उस किताब से बेहतर जरिया और कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया Aseem, थैंक यू सो मच, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू, थैंक यू यासर, थैंक यू, ओके, बाय बाय।